आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। ये 20वीं सदी की शुरुआत थी। साल 1907 था। हिंदुस्तान में ब्रिटिश अपना शासन पूरी तरह जमा चुके थे। कांग्रेस के रुख में बदलाव साफ देखा जा रहा था। वो अब सिर्फ मान मनुहार वाली पार्टी नहीं रहना चाहती थी, बल्कि जरा तीखे तेवर अपना रही थी। पंजाब और बंगाल में असंतोष था। वहां कुछ लोगों ने कांग्रेस की अहिंसा छोड़कर बम और पिस्तौल थाम लिए थे। ऐसे ही दौर में पंजाब के लायलपुर जिले के एक गांव बंगा में भगत सिंह का जन्म हुआ। अब ये जगह पाकिस्तान में है। जिले का नाम भी फैसलाबाद कर दिया गया है। लेकिन भगत सिंह का पुश्तैनी घर नवां शहर जिले में है, जो आज भी भारतीय पंजाब में है, और अब उसका नाम शहीद भगत सिंह नगर है। आज मैं आपको उसी शहीद भगत सिंह की तीन कहानियां सुनाने जा रहा हूं। मौका उनके जन्मदिन का है, 28 सितंबर 1907 को वो पैदा हुए थे। बताने की जरूरत नहीं है कि 23 साल की उम्र में फांसी का फंदा चूमने से पहले वो क्या क्या कर गुजरे थे, लेकिन जो बताने की जरूरत है वो है ऐसे किस्से कहानियां जिन्हें कम ही लोगों ने सुना है। तो आइए आज वही आपको सुनाता हूं। सीने में जुनू, आंखों में देशभक्ति की चमक रखता हूं। दुश्मन की सांसें थम जाएं, आवाज में वो धमक रखता हूं। लिख रहा हूं मैं अंजाम जिसका कल आगाज आएगा। मेरे लहू का हर एक खतरा इंकलाब लाएगा। मैं रहूं या न रहूं पर ये वादा है मेरा तुझसे, मेरे बाद वतन पर मरने वालों का सैलाब आएगा। ये किस्से दतिया के रहने वाले भगवान दास माहौर सुनाया करते थे। भगत सिंह से 2 साल छोटे थे। पहचान तो उनकी चंद्रशेखर आजाद से थी, जो झांसी आते जाते रहते थे, लेकिन उन्हीं के जरिए फिर वो भगत सिंह से भी मिले। लाहौर में सांडर्स की हत्या के प्लान में शामिल होने के लिए भगवान दास को भी बुलाया गया था। क्रांतिकारी दल में सबके नकली नाम रखे जाते थे। भगवान दास का नाम रखा गया था कैलाश। तो चलिए पहला किस्सा सुनाता हूं। भगवान दास माहौर उन दिनों ग्वालियर के हॉस्टल में रहते थे। उन्हें क्रांतिकारी साथी को छुड़वाने की योजना में हिस्सा लेने के लिए चंद्रशेखर आजाद उर्फ पंडित जी ने आगरा बुलाया, सो आगरा के लिए निकल लिए। वहीं पहली बार वो भगत सिंह से मिले। चंद्रशेखर आजाद भी वहीं थे और 5-7 साथी भी थे। बताते हैं कि ओढ़ने बिछाने खाने पीने के मामले में क्रांतिकारी दल भारी तंगी का सामना कर रहा था। अब भगत सिंह तो पंजाब के खाते पीते किसान परिवार के बच्चे थे, दूध घी खाने की आदत थी। यहां क्रांतिकारियों के बीच थे, जहां एक एक पैसा बड़ा सोच समझकर खर्च किया जाता था। शुरू में तो बाजार से पूरियां लाई जाती खाई जाती, मगर फिर पैसा कम पड़ने लगा तो ठानी गई कि कमरे पर ही दाल रोटी बनाई जाए। बर्तनों की कमी थी, जुगाड़ लगाए गए। दाल के लिए एक मटका लिया गया, उसका धड़ जो होता है ऊपर से वो हटाया गया और नीचे जो बचा उसी में दाल पकाने की प्रक्रिया शुरू हुई। माहौर बताते हैं कि हम लोग अंदाजे से नमक मिर्च डालते थे, लेकिन हल्दी डालने का पता नहीं था। अब जो दाल बनती थी उसकी शक्ल सूरत ऐसी हो जाती थी कि किसी भूखे की भूख भी वो देखकर मर जाए। माहौर बताते हैं आंखों से उसे देखकर खाते जाना कोई साधारण सिद्धि की बात नहीं थी। फिर बर्तनों की कमी के कारण दाल उसी एक खप्पर में रखी जाती थी जिसमें बनी, और फिर हम लोग उसके चारों ओर अपने जले पके अधपके टिक्कड़ लेकर बैठ जाते। अघोरियों की घिनौनी साधनाओं की बात सुनी थी, मगर हम क्रांतिकारियों का ये भक्षण चक्र भी कोई साधारण बात नहीं था। अब हुआ ये कि 2-1 दिन की साधना से आजाद जैसे कुछ लोग अवधूत पद तक पहुंच गए, मगर भगत सिंह से नहीं हो पा रहा था। भगत सिंह ने इस तरह के खाने से अपना पिंड छुड़ाने की एक तरकीब खोजी। जब खप्पर के चारों तरफ एक दिन साथी जुटे तो भगत बड़े स्टाइल में बोले, देखो मैं तुम्हें बताऊं, अमीर लोग, लखनऊ के नवाब जैसे लोग किस नजाकत से, किस अंदाज से खाना खाते हैं। भगत सिंह ने एक टिक्कड़ में से बहुत छोटा सा टुकड़ा निकाला, ऐसे तोड़ा कि कहीं टिक्कड़ को ठेस ना पहुंच जाए।
फिर बड़ी दूर से उसे खप्पर की दाल का मुंह दिखाया, बेहद नजाकत नफासत लताफत के साथ उठाकर मुंह में रख लिया। मुंह चलाने में मुश्किल तो पेश आई, पर किसी तरह गले से उतार कर बोले, अल्लाह क्या लजीज खाना है, सुभान अल्लाह। ये कहकर भगत सिंह ने रुमाल से मुंह पोंछा और ऐसे खड़े हुए मानो भरपेट खाकर उठ खड़े हों। इस नाटक की आड़ में उन्होंने उस कच्चे पक्के खाने से उस दिन पीछा छुड़ा लिया और उसी शाम कहीं से पैसे का इंतजाम किया। कई दिनों तक सभी को कायदे का खाना नसीब हुआ और बर्तन भांडे भी खरीद लिए गए। अब है तो एक किस्सा मज़ेदार, लेकिन सोचिए क्या हौसला था कि अच्छे अच्छे खाते पीते घरों के लड़के ताकतवर ब्रिटिश साम्राज्य से भूखे पेट टक्कर ले रहे थे, और इससे भी बढ़कर मौका पड़ने पर मौत को खुशी खुशी मंजूर भी कर रहे थे। मुझे तन चाहिए न धन चाहिए, बस अमन से भरा यह वतन चाहिए। जब तक जिंदा रहूं इस मातृभूमि के लिए, और जब मरूं तो तिरंगा ही कफन चाहिए। कभी वतन के लिए सोच के देख लेना, कभी माँ के चरण चूम के देख लेना। कितना मजा आता है मरने में यारों, कभी मुल्क के लिए भी मर के देख लेना। हम अपने खून से लिखें कहानी ए वतन मेरे, करें कुर्बान हंस कर ये जवानी ए वतन मेरे। अब आपको भगत सिंह का एक और किस्सा सुनाता हूं। इससे आपको पता चलेगा कि वो गंभीर निबंध लिखने वाले और ओज से भरे भाषण देने वाले क्रांतिकारी ही नहीं थे, बल्कि ऐसे लड़के भी थे जो दूसरों की खूब मौज लेता है और मामला बिगड़ने पर उसे संभालने का हुनर भी रखता है। एक बार किसी ने भगवान दास माहौर उर्फ कैलाश बाबू को बता दिया कि जाड़े में जॉन एक्शा नंबर वन का रोज एक तौला पिया जाए तो बदन बड़ा चुस्त दुरुस्त मजबूत हो जाता है। अब थी तो ये ब्रांडी यानी विशुद्ध शराब, लेकिन भगवान दास कहते हैं कि उनको तब ये बात समझ में नहीं आई। बस फिर क्या था, चंद्रशेखर आजाद जो दल के प्रमुख थे, भागे भागे भगवान दास उनके पास पहुंचे और शक्तिवर्धक दवा लाने के लिए 4 रुपये मांगे, दे भी दिए गए। तो हुआ ये कि बोतल आ गई, रोज एक एक तोला नाप कर पिया जाने लगा। अब फिर से आगरे का बुलावा आया, भगवान दास अपनी बोतल बैग में रख कर पहुंच गए। सारे साथी वहीं जमा थे, कुछ तो एक कमरे में रहते थे और कुछ दूसरे, एक और जो दूसरा कमरा थोड़ी दूर अलग मोहल्ले में था वहां रहते थे। अब भगवान दास जी के बैग की तलाशी ली गई, जो नियम था। वो बोतल निकल आई, किसी ने पूछा ये क्या है। अब भोलेपन में वो वही बोले जो समझ रहे थे, कहा कि ताकत की दवा है और पंडित जी से पूछकर उनके दिए पैसों से ही लाए हैं। सब मान गए, बात खत्म हो गई, लेकिन बोतल पर लिखा ब्रांडी शब्द भगवान दास को अखर रहा था। साथियों की शक भरी निगाह ने भी अपना काम किया। एक हुआ करते थे क्रांतिकारी डॉक्टर गया प्रसाद, उन्होंने सुझाव दिया कि हमें भी पिलाओ, हम भी देखें कैसी है। गया प्रसाद एक तोला पी गए, सदाशिव राव थे वो भी पी गए, राजगुरु ने भी पी, लेकिन जब बटुकेश्वर दत्त का नंबर आया तो उन्होंने अपना प्याला आधा छोड़ा और खड़े हो गए। डॉक्टर गया प्रसाद ने वो भी गले से नीचे उतार लिया। इतने में पता चला कि विजय कुमार सिन्हा चले आए, वो भी भगत सिंह के पक्के साथी थे। भगवान दास ने तब तक बोतल पर ढक्कन फिट किया और बोले अब किसी को नहीं देंगे। सिन्हा ने बोतल देख ली, बड़े गुस्सा है, बोले अभी जाकर पंडित जी से कहता हूं ये सुसंस्कृत चरित्रवान क्रांतिकारियों का अड्डा है या शराबखोरों का, कहीं अभी तलाशी हो जाए और हम लोग पकड़े जाएं तो देश भर में कितनी बदनामी होगी। भगवान दास ने बात का लोड नहीं लिया। विजय कुमार दूसरे मकान में पहुंचे, वहां भगत सिंह और आजाद बैठे हुए थे। सारा किस्सा सुना दिया। कुछ तो भगत सिंह को वाकई सैद्धांतिक तौर पर बुरा लगा, क्योंकि ये दल के नियम के खिलाफ था कि शराब पी जाए, मगर कुछ पंडित जी को चिढ़ाने के लिए मौज करने लगे। भगवान दास सदाशिव वगैरह को पंडित जी का खास आदमी माना जाता था। विजय ने शिकायत कर दी कि पंडित जी कैलाश शराब पीकर रात भर लंगोट बांधकर नाचता रहा, ना खुद सोया ना किसी को सोने दिया। ये जो कैलाश नाम है वो भगवान दास का ही छद्म नाम था। अब भगत सिंह ने इसमें खूब नमक मिर्च लगाया और क्रांतिकारियों के शराब पीने की भयंकरता पर बड़ा बड़ा भाषण दिया। बस पंडित जी और भगत सिंह सीधे वहीं पहुंचे जहां शराब पी गई थी। आते ही खूब चंद्रशेखर आजाद यानी पंडित जी बरसे, जमकर बरसे, भगवान दास को दल से निष्कासित करने की घोषणा कर दी।
अब बेचारे भगवान दास घबराए, बोले, पंडित जी ये वही जॉन एक्शन नंबर वन है जिसके लिए आपने 4 रुपये दिए थे। बस फिर क्या था, भगत सिंह के हाथ एक और मौका लग गया। बोले, वाह पंडित जी, आप खुद ही रुपये देते हैं और फिर नाराज होते हैं। पंडित जी रुआंसे हो गए, बोले, तो मैंने ये कहा था कि शराब ले आओ। भगवान दास भी हैरान परेशान। अब भगत सिंह ने समझा कि स्थिति जरा गंभीर है। फिर क्या था, तुरंत भगवान दास को साइड में ले गए, बोले, देखो उसमें मजाक नहीं है, तुम्हारा शराब ले आना अच्छा नहीं हुआ। पंडित जी को इतना ताव तो मैंने ही नमक मिर्च लगाकर दिया है, अभी शांत हुए जाते हैं, लेकिन हम लोगों को ध्यान रखना होगा कि हमारे जरा जरा से काम की कड़ी से कड़ी आलोचना होगी। हम सब यहां मरने के लिए इकट्ठा हुए हैं, इस आशा से नहीं कि कल हम ही अपने हाथों से ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकेंगे। अपने जैसे न जाने कितने उसके पहले मर खप जाएंगे। हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमारा कोई काम ऐसा ना हो जिससे लोग हमें बदनाम कर सकें। अपनी निजी बदनामी की बात होती तो कोई बात नहीं, लेकिन ये क्रांतिकारियों की बदनामी होगी, क्रांति प्रयास की बदनामी होगी। इसके बाद मामला ठंडा पड़ा, वो बोतल बक्स से निकाली गई, पंडित जी ने पटक कर तोड़ने की आज्ञा दी। डॉक्टर गया प्रसाद के हाथ में बोतल थी। चंद्रशेखर आजाद गुस्से में तो थे ही, लेकिन तभी भगत सिंह ने टोका, बोले, पंडित जी चीज बुरी नहीं है, इसका उपयोग बुरा होता है। हम लोग एक्शन पर चल रहे हैं, ऐसी किसी उत्तेजक चीज को भी रखना चाहिए, नामालूम हम में से कौन कब घायल हो जाए। इसके प्रभाव से मुर्दा भी 2-4 मील चल सकता है, इसे फेंकिए मत, रख लीजिए। पंडित जी को भी बात समझ में आ गई और फाइनली बोतल डॉक्टर गया प्रसाद के पास चली गई। गया प्रसाद जी के पास ये जिम्मेदारी भी थी कि वो बम बनाने का सामान रखते थे, सो बोतल भी संभाली गई। मैं भारतवर्ष का हरदम अमिट सम्मान करता हूँ, यहाँ की चांदनी मिट्टी का ही गुणगान करता हूँ। मुझे चिंता नहीं है स्वर्ग जाकर मोक्ष पाने की, तिरंगा हो कफन मेरा बस यही अरमान रखता हूँ। जमाने भर में मिलते हैं आशिक कई, मगर वतन से खूबसूरत कोई सनम नहीं होता। नोटों में भी लिपट कर सोने में सिमट कर मरे हैं शासक कई, मगर तिरंगे से खूबसूरत कोई कफन नहीं होता। चलिए साहब, आखिरी यानी तीसरा किस्सा बताता हूं। ये 1928 का दिसंबर महीना था, लाहौर की बात है। आगरे में जो भी लोग इकट्ठा हुए थे वो सारे लाहौर में मौजूद थे। कुछ नए लोग भी आए, इनमें एक थे हंसराज वोहरा। हंसराज गोरा चिट्टा हट्टा कट्टा कॉलेज में पढ़ने वाला लड़का था, खूबसूरत भी बहुत था, भगत सिंह को प्रिय था। तो हुआ ये कि एक रोज कॉलेज जाने से पहले हंसराज क्रांतिकारियों के अड्डे पर पहुंचा, नीचे से आवाज लगाई। भगत सिंह ने ऊपर से देखा, लेकिन नीचे जाने से बचते थे, वो लाहौर था, सब उन्हें पहचानते थे और वो छिपकर रह रहे थे क्योंकि वहां एक प्लान को अंजाम जो देना था। तो भगवान दास से कहा कि नीचे जाकर उस लड़के की साइकिल ऊपर उठवा लाओ। अब भगवान दास ने बात अनसुनी कर दी। भगत सिंह ने फिर यही राजगुरु से कह दिया। इसके बाद भगत सिंह ने भगवान दास को ताना मारा, बोले, हनुमान जी बुद्धि भी आपने वैसी ही पाई है, मैं खुद साइकिल उठा लाता लेकिन लोग मुझे उधर जानते हैं इसलिए गया नहीं। इतने में ही हंसराज ऊपर आ गया। अब उसे भगवान दास ने पहली बार देखा था, थोड़ा गौर से देखने लगा, स्मार्ट भी था दिखने में। इतने में भगत सिंह ने फिर मजाक करना शुरू कर दिया, बोले, अब जनाब सोच रहे होंगे कि अच्छा होता साइकिल उठवा लाता। जवाब में भगवान दास माहौर ने कहा, कहते तो ठीक हो। अब भगत सिंह ने मजाक कुछ और आगे बढ़ाया, बोले, अब इस वक्त हम आपका गाना ना भी सुनना चाहें तो आप मानेंगे थोड़े ही, फटाफट गा दीजिए क्योंकि फिर हमें कुछ जरूरी बातें करनी है। हंसराज वोरा ने भी कहा, हाँ भाई गाओ, सुना है बहुत अच्छा गाते हो। अब गाना तो भगवान दास चाहते थे, लेकिन इस तरीके से दिया गया न्योता कुछ पसंद नहीं आया तो मना करने लगे। भगत सिंह कम नहीं थे, फिर चढ़ाने लगे, अरे गाओ गाओ, गवैयों की तरह नखरे ना करो। इतना खिजाया कि बेचारे भगवान दास ने भगत सिंह को एक घूंसा मार दिया। फिर क्या था, मौज मजाक वाली कुश्ती शुरू हो गई। भगत सिंह तो चंद्रशेखर आजाद को भी पटखनी दे देते थे, भगवान दास माहौर तो फिर भी छोटी चीज ठहरे। खूब पिटाई की, खूब ठोका गया। आखिर में लोगों ने बीच बचाव किया तो भगत बोले, एग्रेशन कैलाश ने किया है, मैं तो सेल्फ डिफेंस में लड़ा हूं, संधि का प्रस्ताव मुझे मंजूर है लेकिन संधि की शर्तें मैं डिक्टेट करूंगा। साथियों ने भी बात का समर्थन किया।
अब भगत सिंह ने शर्त क्या रखी? वो ये रखी कि ये कुठे गुंतला गाना गाएं। ये वो मराठी गाना था जो अक्सर भगवान दास गाते थे, और इतना गाते थे कि उनका नाम ही कुठे गुंतला पड़ गया। खैर, ठुक पिट कर गाने बैठे, सामने हंसराज भोरा तशरीफ जमाए थे। अचानक बीचों बीच भगत सिंह भगवान दास की तरफ पीठ करके फिर नीचे पसर गए। अब पहले से ठुके पिटे भगवान दास चिढ़ गए, गाना रोक दिया, बोले इन्हें गाना सुनने की तमीज तो है नहीं, जरा देखिए इधर मुंह करके बैठाइए इन्हें। भगत सिंह तुरंत बोले, माफ कीजिए, अपनी संधि की शर्त मैं वापस लेता हूं, यदि आपका गाना सुनने के साथ आपकी शक्ल मुबारक भी देखनी पड़े तो ऐसा गाना मैंने सुनना छोड़ा। सब जोर जोर से हंसने लगे। बहरहाल, हंसराज वोरा ने गाने की बहुत तारीफ की। अब लगे हाथ ये भी जान लीजिए कि बाद में हंसराज वोरा पकड़े गए तो अप्रूवर बन गए थे, यानी सरकारी गवाह हुए थे। पुलिस को उन्होंने भगवान दास का नाम कुठे गुंतला ही लिखवाया था। ये भी सच है कि जब पकड़े गए, क्रांतिकारियों की पहचान करने के लिए बुलाए गए, तो सामने भगवान दास को खड़ा देख कर भी मुकर गए, पहचाना नहीं। और बताया जाता है कि शायद कोर्ट में भगत सिंह को भी जब देखा तो रोने लगे। अपने बयान में हंसराज ने क्रांतिकारियों के साहस त्याग लगन की खूब तारीफ की थी और अपनी कमजोरी भी स्वीकारी थी। हंसराज ने 111 साल की उम्र पाई थी। उसकी गवाही की अहमियत कितनी थी, इस पर कुलदीप नैयर ने लिखा भी है और बताया कि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की फांसी में वो गवाही बहुत इंपॉर्टेंट रही। बाद में हंसराज वोहरा को पंजाब सरकार ने स्पॉन्सरशिप दी। वो लंदन में पढ़ाई करने गए, लौटकर लाहौर में नौकरी की, फिर अमेरिका गए और अंत तक पत्रकार के तौर पर सक्रिय रहे। अंत के दिन बड़े अकेले गुजरे और फिर वहीं पर निधन हो गया। बहरहाल, वो सब कभी और। फिलहाल ये तीन किस्से मैं आपको आज भगत सिंह के जन्मदिन के मौके पर सुनाना चाहता था। उम्मीद है आपको पसंद आए होंगे। शायद भगत के उस रूप की कुछ झलक मिली हो जो हम अक्सर किताबों में नहीं पाते। ये भी याद रखना चाहिए कि ठीक है, इतिहास में भगत सिंह का कद बहुत ऊंचा है, लेकिन वो भी एक लड़के थे, हंसी मजाक करते थे, खाने पीने के शौकीन थे, और सबसे बड़ी बात, कई बार खाने के पैसों से फिल्म देख लेते थे। बहुत दिलचस्प थे भगत सिंह। चंद्रशेखर आजाद उनके बारे में कहा करते थे कि भगत सिंह को पुलिस किसी दिन सिनेमा हॉल से ही गिरफ्तार करेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। खैर, मौका मिला तो और भी कहानी सुनेंगे। आपको आज की हमारी पेशकश कैसी लगी जरूर लिखिएगा। radio@aajtak.com हमारा पता है। मेरा नाम नितिन ठाकुर है। बीच बीच में आपने जो शेर, शायरी, कविता सुनी, वो माधुरी सुना रही थी। भगत सिंह ने सब खुद लिखा था। तो अब दीजिए हमें इजाजत। इंकलाब जिंदाबाद। भगत सिंह अमर रहें।